झाबुआ में मूद नदी में बही वैन, मुश्किल से बची चालक की जान। ड्राइवर ने जोखिम उठाकर सड़क पर बहते तेज बहाव को पार करने की कोशिश की, लेकिन खतरा भाप कर कूद कर बचाई जान, नदी में बह गई कार। जैसलमेर के करीब नदी में गिरी बोलेरो गाड़ी, हादसे में 3 महिलाओं की मौत, 5 की बचाई गई जान, ड्राइवर फरार। कहीं सैलाब तो कहीं प्रशासन की लापरवाही से आई मुसीबत, राजस्थान के दौसा में गुप्तेश्वर रोड पर प्रशासन की लापरवाही से ढहे 3 मकान। गौरवपथ निर्माण के लिए खोदी गई मिट्टी से हुआ हादसा, दर्जनों मकानों के ढहने का मंडराया संकट। केरल में कुदरत का कहर जारी, कोच्चि में सैलाब में फंसी गर्भवती महिला को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर पहुंचाया गया अस्पताल, 30 मिनट तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। केरल के त्रिशूर एर्नाकुलम अलप्पी में सैलाब का कहर, आपदा पीड़ितों को हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। घर की छतों पर फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया गया रेस्क्यू, चारों तरफ दिखा जल भरा। राहत मिशन के दौरान घर की छत पर उतारा गया हेलीकॉप्टर, फंसे लोगों को निकाला गया बाहर। केरल में अब तक भूस्खलन और सैलाब की तबाही में 324 लोगों की गई जान, हलेरी मक्कानदुर में सैलाब और भूस्खलन का सितम, 400 लोग लापता। मक्कानदुर में कई जगहों पर सैलाब में डूबी घरों की पहली मंजिल, घर बार छोड़ने को मजबूर हुए लोग। केरल के नूरनाड और अलेप्पी में सैलाब पीड़ितों के मददगार बने आईटीबीपी के जवान, 500 लोगों की बचाई जिंदगी, बाढ़ प्रभावित इलाके से निकाला बाहर। केरल के अलापुझा का दिखा हैरान करने वाला मंजर, भारी बारिश और सैलाब के कहर में बाजार में चली नाव, बंद बाजार में दिखा समंदर जैसा मंजर। केरल के पालक्कड़ में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सुरक्षा बल के जवान, सैलाब के बीच से लोगों को निकाला, कोदागू में भूस्खलन की तबाही से जूझ रहे लोग। कोदागू के कुशलनगर का बाढ़ से बुरा हाल, दरिया में समाया सा दिखा शहर। कोच्चि से हेलीकॉप्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाके वेरुकुनम में भेजी जा रही है मदद, रेस्क्यू कर राहत कैंप में लाए जा रहे पीड़ित। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाल बाल बचा बड़ा हादसा, बेकाबू बस 20 फुट गहरी खाई में लटकी, सभी 30 यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में भारी बारिश में एक स्कूल हुआ जल भराव, 250 छात्रों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर लाया गया। मध्य प्रदेश के पन्ना जिला का इटवा गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित, घर मंदिर और शमशान सब पानी में डूबे। गोधरा के पास नदी के तेज बहाव में फंसे 12 मजदूर, 7 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात के पंचमहाल में गोमा नदी में अचानक आए उफान से 6 लोग फंसे, एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, 11 डंपर पानी में डूबे। गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में 24 घंटे मूसलाधार बारिश का टूटा कहर, नर्मदा में उफान से आई बाढ़, बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाना हो रहा मुहाल। भारी बारिश के बाद गोधरा में बने बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर दफ्तरों के भीतर घुसा पानी। शिमला के रामपुर में भूस्खलन की तबाही, 6 पुल ध्वस्त, सड़क पर मलबा आने से कई जगहों पर रास्ता बंद, कुट किन्फी और रूपानी गांव का कटा संपर्क। बद्रीनाथ के पास लामबगड़ में भूस्खलन से हाईवे पर आया पहाड़ी का मलबा, करीब 350-100 स्थानीय निवासियों की बड़ी मुश्किल। औरंगाबाद में अटल बिहारी वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभा के प्रस्ताव का विरोध, एमआईएम के पार्षद को पड़ा महंगा, एमआईएम पार्षद मतीन बीजेपी पार्षदों ने जमकर पीटा। मतीन की पिटाई में महिला पार्षदों ने भी बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा, पुलिस ने किसी तरह एमआईएम पार्षद को सभागार से बाहर निकालकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, पार्षदों ने मतीन के निलंबन की मांग की। मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संजय कुमार अटल पर फेसबुक टिप्पणी पड़ी महंगी, अराजक तत्वों ने जमकर पिटाई की, आग लगाकर हट गई। बलरामपुर में अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर कई घरों में नहीं जले चूल्हे, बिलखते दिखे समर्थक, बलरामपुर से सांसद रह चुके थे वाजपेयी।
मॉरिशस में विश्व हिंदू सम्मेलन के पहले अटल जी को दी गई श्रद्धांजलि, अटल जी की तस्वीर रखकर की गंगा आरती और रामायण पाठ। कल नदियों में विसर्जित की जाएगी अटल जी की अस्थियां, सीएम योगी ने कहा हर छोटी बड़ी नदियों में प्रवाहित की जाएंगी अस्थियां। वाजपेयी की श्रद्धांजलि सभाओं के दौरे के बीच बलिया के बीएसपी विधायक उमा शंकर सिंह का दिखा अलग रंग, हथियारबंद समर्थकों के साथ निकाला बोल बम कांवड़ यात्रा। हथियारबंद समर्थकों के साथ कांवड़ यात्रा पर मीडिया ने किया सवाल तो बीएसपी विधायक उमा शंकर ने यात्रा से पहले वाजपेयी की स्मृति में दो मिनट के मौन का दिया हवाला। शबाना आजमी ने याद किया अटल जी के साथ संसद में बताया वक्त, मजाकिया अंदाज का किया जिक्र। वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अटल जी से कहा ये तो हमारे से गई, तो अटल जी पलट के कहते हैं ये हमारे पास आई कब थी जो जाएंगी। लता मंगेशकर ने अटल जी को बताया हिमालय जैसा ऊंचा और गंगा जैसा पवित्र, ट्विटर के जरिए दी सुरीली श्रद्धांजलि। पंडित छन्नूलाल मिश्र ने अटल जी को दी स्वरांजलि। अंधेरा छाया है पांच तत्व का बना पुतला, इसी में ज्योति समाया है, रहा है कोई यहाँ पर ना कोई रहने। बॉलीवुड ने भी दी पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि, अटल जी की शख्सियत को किया नमन। ये अटल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में और एक बहुत ही प्यारी हस्ती रहे हैं, उन्होंने हमेशा जोड़ने की बातें की हैं। शाहरुख खान ने ट्वीट कर दी अटल जी को श्रद्धांजलि, लिखा आपके हंसते चेहरे को हमेशा मिस करेंगे बाप जी। अजय देवगन ने ट्वीट कर अटल जी के निधन पर जताया दुख, लिखा ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। अभिनेता संजय दत्त ने भी अटल जी के निधन पर जताया दुख, ट्वीट किया देश के लिए बड़ा नुकसान बताया। जॉन अब्राहम ने अटल जी को बताया महान नेता, ट्वीट किया कभी नहीं भुला पाएंगे देश। प्रियंका चोपड़ा ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि, लिखा देश उन्हें हमेशा याद रखेगा। एक्टर अनु कपूर ने भी अटल जी को किया याद, महान नेता के निधन पर जताया दुख। फिल्मकार मधुर भंडारकर ने अटल जी को दी श्रद्धांजलि, कहा कोई नहीं ले पाएगा भारतीय राजनीति में उनकी जगह। ग्वालियर में अटल जी की नन्ही प्रशंसक ने दी श्रद्धांजलि, अटल जी की तर्ज पर किया कविता पाठ। आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांच जन्य होमकार उठा है। लखीमपुर खीरी से सामने आए अटल की खास तस्वीरें, 1997 में नातिन शैलजा की शादी में दिया था वर वधु का आशीर्वाद। हरियाणा के फतेहाबाद में अटल जी की धर्म बहन के परिवार में शोक, 1975 में अटल जी ने बंधवाई थी राखी। जमशेदपुर में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय ने दी अटल जी को श्रद्धांजलि, अटल बिहारी अमर रहे के नारों से गूंज उठा इलाका। चंदौली में आम आदमी पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री को दी अनूठी श्रद्धांजलि, अटल वृक्ष लगाकर किया नमन। लखनऊ के लोगों ने अटल जी को किया याद, हिंदू और मुसलमान कारोबारियों ने बंद रखी अपनी दुकानें। छिंदवाड़ा के कांग्रेस कार्यालय में अटल जी के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, कमलनाथ ने पूर्व पीएम को किया याद। पाकिस्तान में आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे इमरान खान, शपथ से पहले सदन में साबित किया बहुमत। कुल 336 सीटों में से इमरान खान को बहुमत के लिए 173 सीटों की थी जरूरत, समर्थन के तहत इमरान ने 176 सीटें हासिल की। नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन को महज 96 सीटों पर मिला समर्थन। आम चुनाव में इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 116 सीटों पर जीत दर्ज की थी, 5 सीटों पर खुद इमरान खान जीते थे चुनाव। इमरान ने मियांवाली की सीट अपने पास रखकर बाकी 4 सीटें छोड़ी।
इमरान की पार्टी के दो अन्य सदस्यों ने दो दो सीट पर दर्ज की थी जीत। उनके एक एक सीट छोड़ने से तहरीक इंसाफ के पास महज 110 सीटें थी शेष। छोटे दलों से गठबंधन कर इमरान ने सदन में हासिल की फतह। इमरान के ताजपोशी समारोह में शिरकत करने के लिए पूर्व क्रिकेटर और पंजाब की कैप्टन सरकार के मौजूदा मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू भी पाकिस्तान पहुंचे। गावस्कर ने इंग्लैंड सीरीज का हवाला देकर किया किनारा। लुधियाना में सिंडिकेट कंपनी की बेकाबू बस का टूटा कहर। तेज रफ्तार बस ने ऑटो, एक्टिवा और दो तीन अन्य वाहनों को मारी टक्कर। एक शख्स की मौके पर हुई मौत। भयानक हादसे में चार लोग गंभीर रूप से हुए घायल। बस ड्राइवर ने ब्रेक फेल होने का दिया हवाला। पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ पुलिस को दो जगहों पर बदमाशों से हुई मुठभेड़। गोली लगने से दो बदमाश हुए घायल। कुल पांच बदमाश गिरफ्त में आए। ग्रेटर नोएडा के कासना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश घायल, एक फरार। आजमगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 50,000 के इनामी बदमाश अकबर को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में पुलिसकर्मी को लगी गोली। मेरठ में किला रोड पर हुई मुठभेड़ में 48 लाख की लूट के आरोपी बदमाश दानिश को लगी गोली। पुलिस ने गिरफ्त में आया घायल दानिश को अस्पताल में कराया भर्ती। मेरठ में मासूम बच्चियों से छेड़खानी के आरोप में एक शख्स को लोगों ने पकड़कर काटे बाल, जमकर की पिटाई। पुलिस ने केस दर्ज कर भेजा जेल। यूपी के कौशाम्बी जिले में पुलिस का दिखा मानवीय चेहरा। दो पक्षों के बीच झगड़े में हुई मौत के बाद दो शवों पर पैर रखकर जीप से पहुंचाया मॉर्चरी। जीप से शव ले जाते वक्त बीच रास्ते में साइकिल सवार के आ जाने पर पुलिसकर्मी में जड़े तमाचे। वीडियो वायरल होने पर चौकी इंचार्ज तिल्हापुर निलंबित, कांस्टेबल लाइन हाजिर। वाराणसी के कैंट इलाके में कांवड़ियों से भरी बस पलटी। बाइक सवार भी चपेट में आए, पांच लोग गंभीर रूप से हुए घायल। भोपाल इंदौर हाईवे पर नशे में धुत पांच युवक युवतियों ने जमकर किया ड्रामा। पुलिस से भी की अभद्रता, बाद में हिरासत में लेकर मंडी थाने लाई पुलिस। धौलपुर में एक बुजुर्ग को जहरीली सांप ने काटा। एक हकीम ने इलाज के नाम पर दो घंटे तक खेला अंधविश्वास का खेल, बुजुर्ग की गई जान। मुंबई में दर्दनाक ट्रेन हादसे में 9वीं कक्षा के छात्र की दोनों टांगे कटी। परिजनों ने इलाज के लिए सरकार से मदद की गुहार की। गाजियाबाद में 12 अगस्त को घर में मिले बच्चे के शव के केस में खुलासा। छड़ी छीनने के लिए की गई थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में कार का फटा टायर पेड़ से टक्कर के बाद नहर में गिरी कार। हादसे में एक बच्ची समेत तीन की मौत, तीन घायल। दादर चौपाटी पर लाइफ गार्ड ने बचाई एक युवक की जिंदगी। नहाते वक्त समंदर में डूबने लगा था युवक। छत्तीसगढ़ के धमतरी में बिल्डिंग ढही, तीन लोगों की मौत। मुर्शिदाबाद में चार ड्रग तस्कर गिरफ्तार, हेरोइन बरामद। आरा में अवैध शराब के कारोबारियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला। नवादा के थानाध्यक्ष समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल। मुंबई में प्रियंका चोपड़ा ने बॉयफ्रेंड निक जोनास के साथ किया डिनर, परिजन भी थे साथ। सलमान खान के बाद अब कटरीना कैफ माल्टा में के लिए रवाना। माल्टा में आइलैंड पर होनी है फिल्म भारत की शूटिंग। कटरीना ने माल्टा के लिए उड़ान भरते वक्त विमान से पोस्ट की तस्वीर। साउथ की रीमेक अर्जुन रेड्डी में काम करेंगे शाहिद कपूर। अक्टूबर में शुरू हो सकती है फिल्म की शूटिंग। अभिनेता राजकुमार राव के अनुराग बसु की फिल्म लाई इन मेट्रो 2 से जुड़ने की चर्चा। अर्जुन कपूर के मना करने पर अनुराग बसु ने राजकुमार राव से साधा था। इंग्लैंड के ट्रेंट ब्रिज में आज से तीसरा टेस्ट मैच। टीम इंडिया के सामने लाज बचाने का आखिरी मौका। पांच मैचों की सीरीज में 0-2 से पीछे है टीम इंडिया। इस टेस्ट की हार पर इंग्लैंड का हो जाएगा सीरीज पर कब्जा। घायल गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पूरी तरह से फिट। कप्तान कोहली ने जताया संतोष, पहले दोनों टेस्ट में चोट के चलते बाहर थे बुमराह। इंग्लैंड में बेबस टीम इंडिया को मजबूती देने के लिए रोहित शर्मा ने ठोकी ताल। बोले टीम प्रबंधन ने दिया मौका तो टेस्ट में ओपनिंग करने को हूं तैयार। भारत के बजाय यूएई में होगा एशिया का। बीसीसीआई ने सौंपे अधिकार। 15 से 28 सितंबर तक चलने वाले टूर्नामेंट में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें लेंगी हिस्सा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।